देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। हाँ तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही उनको, मैं कैसे समझूंगा उनको? भाई उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी, क्या ओवैसी देगा, कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। क्या हमेशा कोई पावर में रहने वाला है क्या? महाराष्ट्र में ऐसे ही कांग्रेस करती थी मेरे को, यूपी में भी अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे मेरे को। आज कहाँ है महाराष्ट्र में कांग्रेस? नंबर वन की पार्टी नंबर तीन हो गई, नंबर वन की पार्टी थी महाराष्ट्र में, नंबर तीन हो गई आज। अखिलेश यादव ऐसे ही करते थे। हम जब एक महीना 20 दिन एक महीना पहले आजमगढ़ गया मैं, तो उसी टाइम पे मैं और अखिलेश यादव एक ही वक्त पे लैंड किए। तो ये ठीक नहीं है ना। देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है, इस दिन जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्टी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी ये जनता, बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको दबा, नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप, ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। शौकत जी के यहाँ पे जो शादी के कार्यक्रम में गए थे, हाँ, उसमें आपकी मुलाकात शिवपाल यादव से हुई। साथ में बैठ के खाना भी खाए, साथ में बैठ के खाना भी खाए। शौकत की बेटी की शादी थी, खुशी का मौका था। आगे कुछ क्या किसी, हाँ जरूर, ये खुशी, ये खुशी के मौके आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें क्या बात है? बुरी मुलाकात करेंगे जाकर, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्यों नहीं, क्या बात है? आजम खान भी आपके साथ? भाई आजम खान साहब तो अभी वो परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को कम कर दे, अल्लाह उनकी तकालीफ से उनको छुटकारा दिला दे। वो अभी परेशान है, तो इस तरह का सवाल क्यों करते हैं आप उनके बारे में?